हाँ जी, जीत आ गया। जैसे हमसे लोग फरमाइशें करते हैं ना, मुझे लगता है कि अब हमें फरमाइश करनी पड़ेगी दिलजीत दोसांझ से, उन्हें ओके, भेजनी पड़ेगी ऑल द वे, और उन्हें खाने कहना बनाया करें। हाँ नहीं कि हमारे लिए भी कोई खाना बनाए, वो करीना कपूर के लिए खास तौर पे चिल्ली पनीर पता नहीं कुछ बना रहे हैं। अच्छा, तो हाँ वो उसे जाना होगा ना उनके पास। हो सकता है, क्या पता। तो ये तो कहीं पे उन्होंने अप्रैल में कहीं पे उन्होंने बनाया था, तो अब तक तो उन्होंने खा को लिया होगा, तो हमारी बारी कब आएगी? जब आपके नसीब में हो। लो अभी थोड़ी देर बाद होगा, आप पहले ठीक देखेंगी इसको, फिर उसके बाद आप बनाएंगी, फिर है मैं खाऊंगा। हाँ जी, तो आज बना रहे हैं जी चिल्ली पनीर, तो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं वो। हेलो फोक्स, इधर देखूं कि सामने देखूं कि अपने आप को देखूं, चलो जिधर भी देखूं साफ नीत से देखूं। ओके गाइस, बी रेडी, आज बनने जा रहा है कुछ ऐसा। अगर आपके पास चीजें कट भी हो तो आपने जो ठान लिया है कि मैंने आज बनाना है, सॉरी मैं देखने का मेरा थोड़ा चक्कर चल रहा है, तो जो आपने ठान लिया है कि मैंने आज ये बनाना है तो वो हमने भाई बना के ही रखना है, मतलब बना के ही छोड़ना है। आ जाओ फिर दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर, और मैंने ये सारी सामग्री ले ली है। कुछ सामग्री मेरे पास नहीं है, जैसे मेरे पास कॉर्नफ्लोर आटा नहीं है, तो कॉर्न अच्छा, फ्लोर, फ्लोर आटा होता है, बेसन चलो शायद मैं दो बार बोल गया, लेकिन मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, तो मैंने बेसन ले लिया है, ये हम तैयारवा करके देखेंगे, तो तैयार बेस से बनेगी चीज। और मेरे पास चिल्ली सॉस नहीं है, चिल्ली सोया सॉस, सॉरी सोया सॉस नहीं है, तो मैंने बारबेक्यू सॉस ले लिया है। और हमारे पास अजीनोमोटो नहीं है, हमारे पास विनेगर नहीं है, हमारे पास खासा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैसा चिल्ली पनीर बना के फिर उभरते हैं, ये आप आज हमारी कला देखेंगे। एक खाना प्रॉब्लम बनाना है। हमारी और है, इसकी हमारी की तूतरी खराब हो रखी है, देखो ये, वैसे तो इसको ओए, फैल फैल के जाना चाहिए, लेकिन ये देखो क्या गड़बड़ कर रहा है, ये इसकी तूतरी लग खराब है। सो आज हमें मतलब खासी प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर भी, एक तूतनी बढ़िया कह रहा बात है है, आज लेकिन हमें पनीर तूतनी मिल होती गया है है, कल हमें क्या? 2-3 दिन से पनीर नहीं मिल रहा था। सो थैंक यू, वैसे तूतरी को मार के इसको ऐसे ऐसे करना तूतनी है। कह रहा है। आज पहली बार मुझे अपने चुल्लू पे प्यार आया है, आज इसका काम आया है, अदरवाइज तो ये काम ही नहीं आता था, आज इसका काम आप देखने लायक है। ये तजर्बा खास हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें एंड होती हैं जो तजर्बा किसी ने पढ़ी होती खलूस, है, लेकिन बात उनका मैंने कभी भूली है, इस्तेमाल कभी होता नहीं है, अब मैं कभी कभी इसको आता थोड़ा सा है। लबेड अच्छा, के ये रखना ऐसे, है। और इसमें रख दूंगा, ऐसे अच्छा, मैं एक-एक ये पनीर सारे रखूंगा, डालने मेहनत का। करूंगा, आपको दिखाऊंगा बाद में। हाय अच्छा, वही मेहनत हाय, क्या लग रहा है, मैंने तो इनको रख दिया है, आई होप ये बेसन जो है वो चिंबड़ जाएगा इनको, बेसन मिला के। तजर्बा ही है, तजर्बा चिमट फेल भी हो जाएगा। जाता है कभी कभी, ऐसे ऐसी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ का तजर्बा शायद पास हो जाए, ये चिंबड़ जाए, ओहो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, चिंबड़ जाए तो अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, मैंने तजर्बा करके देख लिया था पहले, हमारे पिंड चलो हजारी की दुकान एक होती थी, बार वो हजारी जी बहुत अच्छे पकौड़े और जलेबियाँ मिलती थी वहाँ पे, बर्फी भी पता नहीं कहते ना, बेसन क्रियाटी दी स्मेल, मैंने पकौड़े याद आ गए हजारी जी में। होप जो क्रियाटी है वो चिमड़ गई है इनको, अब हम इनको निकाल के ये तजर्बे वाले पनीर के पास रख देंगे, चेक जो हजारी जी की थी करेंगे। बड़ी मशहूर थी, अब खाए हुए बहुत टाइम हो गया, तो कभी दोबारा पेंड चाकर लगेगा तो फिर खाएंगे, तो मैं तजर्बा कर रहा हूँ गाइस, आई होप ये क्रियाटी दी स्मेल है ना बेसन, जब बारी आती है रानी कैप्सिकम की, इनको अच्छा, भी, शिमला मिर्च कर दी। ये पता नहीं मेरे नाल ही सब्जियां इदां कर दियां, फिर थोड़े नाल भी कर दियां होंगे, मैं दस्सदा, तो इनको भी हम थोड़ा स्वादे कर लेंगे रानी कैप्सिकम को, चीज़ पनीर को सेम उसको कोई तो हमारा जो है वो बेसन लीपड़ से चुका है फ्राई पूरी कर तरीके लिया मेरे से नहीं समझ क्रियाटी रहे, के साथ। इसमें इसमें कुछ डाला अब तो ये होगा काची काची तो ना, नहीं रहेगी, हम इसको तो दोबारा दोबारा भी नहीं बनाएंगे, बनेगी। तो एक और प्रॉब्लम है, ये लाकड़ की जो कड़छी है हमारी लकड़ की, ये लकड़ की कड़छी नाल थोड़ा मैनू टफ हो रहा बनाउणा, इहदे नाल मैं सौखा हो गया सी, पर कहिंदे फिर प्लास्टिक प्लूस्टिक पता नहीं, वह तो आप ही ठीक नहीं है, जो आप इसका सरफेस भी ठीक नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, सो आप जरा रानी कैप्सिकम को क्रिस्पी कैप्सिकम बना लें, पर चलो जितना बच हुंदा बचो सोनियो, ए जो सब्जी बना लेना, फिर ए जो सब्जी बना लेना, फिर चामलेट बना लेना, सो मैं बचदा बहुते भांडे मैं यूज नहीं करता, पर किसी दिन थोड़ा भांड्या का टटोरियल भी दे दें, टेंशन ना लो। एक होर फरमायश आई सी, कहते भांडे कौन धोंदा, तो भांडे भी मैं आप ही धोना, तो महाराज भांडे वाला टटोरियल भी थोड़ा मैं दे दिता किसी दिन, मैं वैसे बहुत भांडे रखे नहीं, मैं मिनिमलिज्म दे विच काफी यकीन रखता है ना, मैं सवेरे एदे जी आमलेट बना लेना, लो जी मास्टर शेफ की
रानी मिर्चियां रेडी हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं उसी भांडे में जिस भांडे में से ये निकली थी, क्योंकि भांडे बहुत है महाराज धोने के, मैं यकीन नहीं रखता। आई लाइक मिनिमलिज्म। एक अद्धी टीट मैं टक रही भाई, मैंने एक थोड़ा सा पांगा ले लिया, मैंने ना इसमें बारबेक्यू सॉस डाल दी, एवं ही मतलब बहुते भी नहीं, थोड़ा फूक छक लेनी चाहिए, तो थोड़ा स्लो करना पै गया क्योंकि बारबेक्यू सॉस के नाल तत्तड़ पत्तड़ ज्यादा करती है। जी हाँ भाई और बहनों, हमने इसमें वर्जिन तेल डाल दिया है, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आज हमने जीरा नहीं, वो परे हो जाए, परे हो जाए, परे हो जाए इससे। बड़ी मुश्किल से काबू आया है, मुझे काफी नचना बजना पड़ा रसोई में। आप इस बात का ध्यान रखें, मैं भूल गया था ये जो मसाले है ना, नहीं मसाला तो अभी इसमें डाला नहीं है, मतलब ये जो वर्जिन तेल है ना, ये अपनी जो वर्जिनिटी को पता नहीं जो ये बहुत तंग करता है बेसिकली। मैं क्या सोच रहा हूँ, विनेगर डालना है, एप्पल विनेगर डाल दूं, क्या कह रहे हो? नहीं यार कुछ और ही ना बन जाए ना, ओ आइडिया कैंसिल। अब हम इसमें आहो पता नहीं विनेगर है, एप्पल विनेगर तो नहीं रहेगा ना, एनी हाउ कैंसिल हो गया आइडिया। और अब हम इसमें सूट देते हैं हमारी छोटी छोटी मिर्ची, ये मिर्ची तंग नहीं करती हैं, ये जब बस थोड़ी पकती है ना तो छीके टाइप आती हैं आपको, तो आप थोड़ा दूर ही रहें इससे भी। देखो आज हमने पहली बार हमने जीरा यूज नहीं किया है, आज हम जीरे से किनारा कर गए हैं। प्याज या कैप्सिकम डालने चाहिए, लेकिन अब मैंने गलती से टमाटरों को चर कर लिया है, तो सब्जी हमारी है, रूल्स भी हमारे हैं, तो आप कभी भी रूल चेंज कर सकते हो, आप बस परे रहना है, सही रूल है, हम इतना को डाल देते हैं। ये वैसे बनता नहीं है चीज चिली पनीर में, लेकिन सब्जी किसकी है, हमारी, तो रूल किसके होने चाहिए, हमारे। सो टमाटरों को डाल के आपका लिबड़ा हुआ पनीर चिली बनेगा, वैसे तो सूखा सूखा होता है ना पनीर चिली, लेकिन हम ऐसे स्टार्टर की तरीके से नहीं खा रहा उसको, मैंने चौड़ों को उबाल लिया है, तो मैं लिबड़ा हुआ पनीर चिली, इसलिए मैंने इसमें टमाटर डाल लिए हैं। क्या बात है, क्या बात है, मैंने इसमें प्याज सीट दिया है, लेकिन टमाटरों की पड़पड़नेस कम नहीं हो रही है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं, अब आपके मुंह पे छींटे नहीं पड़ेंगे, आप थोड़ा निश्चिंत हो जाएं। सो की कहते होंगे इधर निकल जाना अपना सारे का टाइम, महाराज सुख रखन सारे की चढ़ती कला। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ गाइज, आपकी भी ट्विटर पे जो आप लोग टैग कर रहे हैं, आप जो अपनी सब्जियां वब्जियां बना रहे हैं, आप अपनी मम्मियों को अपनी घर वालियों को जो रेस्ट दे रखा है आप लोगों ने, I'm proud of you guys. I'm really proud of you. So, बस ये उल्टा हमेशा खाना बनाता है। चिली पनीर में हमें पहले हल्दी पाने से रोक कौन सकता है? पहले ये बताओ कहाँ लिखा है? हाँ, लेकिन पहले ही डाल दिया। चिली पनीर में हल्दी नहीं डालते। सब्जी किसकी है? हमारी। इसमें भी हल्दी नहीं डालते। तो गाइस हमने हल्दी भी डाल दी। मेरी हल्दी मेरी फेवरेट है। जो दिल करे हाँ। पनीर चिली में जो क्या नाम है यार इसका, जो भी अंग्रेजी वाला, उसमें हल्दी नहीं डालती। लेकिन इट्स मा रूल, इट्स मा सब्जी, मा रूल। बताओ जरा किंग का मतलब क्या होता है? किंग, किंग का मतलब होता है कि किंग अब कहीं भी जा सकता है, तो ये किचन किंग है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता मेरे चिल्ली पनीर में जाने के लिए, को रोक के दिखाओ। टमाटर पहले ही बहुत डले हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी केचप डाल देते हैं। यार ये उतनी जर से तो नहीं गिरती जितनी मशहूरियों में गिरती है, चलो गिर गई है फिर भी। नमक डाल के हमारा जो बाकी कार्यक्रम गायब हो गया है सर, क्या बताया था आपको, हमारी सब्जी बड़ी अच्छी बनती जा रही है। हो गाइस इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, मेरा जी कर रहा है नूडल्स सेट के, इसको नूडल्स बना लूं। चलती चलती पता आपको हमारी सब्जी कुछ भी बन सकती है, लेकिन नहीं, हमारा पनीर रेडी है तो हम पनीर ही डालेंगे इसमें। ओहो आई कांट टेल यू गाइस, बताओ जरा अगर हमारे पास सोया सॉस होती ना तो इसका रंग देखने वाला होता, लेकिन ये मुझे एक और चीज मिल गई है, इटालियन सीजनिंग, इसको भी डाल देते हैं। लो जी क्या गल है, डाल देते हैं। अब ये पता नहीं किस देश की सब्जी बनती जा रही है, अब इसमें इटली भी आ गया है, भैया तो इटली बड़ा खतरनाक हो गया है इटली भी आ गई, लेकिन आप सारे की सुख मंगिए, मानवता की सुख मंगिए, सारे की, सारे देश है छेती तो छेती ठीक हो, अमरीका भी खासा लपेट चाया होया, वो भी ठीक हो गए, तो सारे की कहते होंगे चाहती गल करिए, महाराज ने जोड़ा होका दिता भी नानक नाम चढ़ती कला
तेरे पाने सरबत का पाना। सब्जी बहुत देखने चंगी लग रही है, स्मेल तो मैं तुम्हें दस दे नहीं सकता। सोया सॉस की जगह हम थोड़ा सी बारबेक्यू सॉस भूक देते हैं इस पर। चल सोने आ जा, कोई सॉस जरना नहीं गिरती है, मैं गल्ला कर दिया। अभी कराटी से चिमड़ा हुआ पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया है। बन गया। मैं पता नहीं सोया सॉस बहुत मिस कर रहे हैं, सिर्फ सोया सॉस होती ना मेरे को, पर मैं लगता यार मैं सोया सॉस तो उत्ते निकल चुका, सोया सॉस बहुत थले रह चुकी है, मैं इन चीज़ों तो बहुत ऊपर उठ गया। ये बीबा वालों का कमाल है महाराज, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वाह वाह वाह, आला दर्जे का चिल्ली पनीर बनके रेडी है। अब हम इस पे आज भूकने जा रहे हैं पुदीने की पातियां। सब पुदीना आज हमने इसमें डाला है, आज हमने धनिया नहीं भूका है। ये देखो अब इसको मैं ढक के बंद करके गैस 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, उसके बाद आई नीड माई स्पून। जबरदस्त भाई, नहीं दी वो जिसके लिए थी वो तो आई नहीं इसमें, ये हमारे लिए थी। हाँ जी, करीना कपूर वो आई ना, तो आई वो नहीं ना आई। अब हम खाएंगे इसको, ठीक है, पहले बनाएंगे फिर खाएंगे। हाँ जी, पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद जलाएंगे, फिर उसके बाद 2-3 दफा फिर दोबारा बनाएंगे, फिर जब एक थोड़ी सी बन जाएगी ना जो ठीक रह जाएगी उसको खाएंगे, फिर बताएंगे कि कैसी लगी। तो आप भी इंजॉय करें, आप भी ट्राई करें बनाने की, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रब रखें, अल्लाह हाफिज़।